एनवायरमेंट इन राजस्थान, जो हम राजा वनविक सीरीज के हम लोग क्वेश्चंस ले रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा हो गया था, आज हमको स्टार्ट करना था क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बात कर रहे हैं, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पंचायत, पंचायती राज, यानी कि पंचायती राज की कैरेक्टरिस्टिक्स और सिग्निफिकेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो राजस्थान स्टेट हैज पायनियर इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस पंचायती राज सिस्टम एंड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि हमारा जो राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान ने पंचायती राज सिस्टम को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करा गया था। द पंचायती राज सिस्टम वॉज इनॉग्रेटेड, कब इनॉग्रेट किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 में एट नागपुर राजस्थान बाय कंट्रीज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू या पंडित नेहरू भी कहा। आंध्र प्रदेश इंट्रोड्यूस पंचायती राज इन नवंबर 1959, वेयर महाराष्ट्र अडॉप्टेड, यानी कि महाराष्ट्र ने अडॉप्ट किया था फर्स्ट मई 1962 के अंदर। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें पंचायती राज की, सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी 3-टायर सिस्टम, यानी कि पंचायती राज जो था वो एक 3-टायर सिस्टम था। पंचायती राज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, इसमें 3 लेवल्स थी। फर्स्ट थी हमारी ग्राम पंचायत जो क्या करती थी, विलेज लेवल पे ऑपरेट करेगी। उसके बाद थी पंचायत समिति जो क्या है अलग अलग ब्लॉक लेवल पे काम करेगी। उसके बाद थी जिला परिषद जो क्या है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करेगी। तो 3-टायर सिस्टम हो गया, यानी कि 3 लेवल पे ऑपरेट करेगी। सेकेंड है कोऑपरेशन, यानी कि तीनों लेवल जो है वो एक साथ, तीनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलेंगे। थर्ड है फ्रीडम, द लोकल पीपल है फ्रीडम टू वर्क एंड देयर सुपरवाइज अबव विद द पंचायती राज सिस्टम, यानी कि सब लोग फ्रीडम, अपनी फ्रीडम से काम कर सकते हैं। फोर्थ है इलेक्टेड बॉडीज, द पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स आर इलेक्टेड बॉडीज, द एम्प्लॉयज ऑफ दीज इंस्टीट्यूट वर्क अंडर इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि इलेक्टेड बॉडीज होती है, इनके अंदर के लोग प्रॉपरली वर्क करेंगे। फिफ्थ है पावर टू मोबिलाइज रिसोर्सेज, द पंचायती राज इंस्टीट्यूट हैव सफिशिएंट पावर टू मोबिलाइज रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइज पब्लिक कोऑपरेशन, यानी कि पंचायती राज के पास पावर थी कि वो मोबिलाइज, मोबिलाइज का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज को इकट्ठे करना, मूवमेंट करना जहां पर उनकी प्रॉपर प्लेस है, जहां पर आप उनका यूटिलाइजेशन करेंगे। सिक्स्थ है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एंड प्लान्स रिगार्डिंग रूरल डेवलपमेंट इज डन बाय दीज लेवल ऑफ पंचायती राज, यानी कि एग्जीक्यूशन ये प्रोग्राम्स की प्रॉपर एजुकेशन ये कौन प्लान करती थी, ये सब डिविजन्स के जो हमने बात करी। सेवेंथ है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, यानी कि पावर जो है उसको डिसेंट्रलाइज किया गया, 3 लेवल्स हमने बनाई गई, सबको थोड़ी थोड़ी पावर दी, यानी कि अथॉरिटी को हमने डिसेंट्रलाइज किया। एट है आइडियोलॉजी ऑफ पंचायती राज, द आइडियोलॉजी बिहाइंड पंचायती राज इज दैट पीपल ऑफ विलेज शुड शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो विलेज के पीपल है वो भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर ऑन करेंगे गवर्नमेंट के साथ। और नीड एंड सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें कि पंचायती राज की नीड क्या थी, सिग्निफिकेंस क्या था, फर्स्ट है बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि पंचायती राज एक तरीके से डेमोक्रेसी सेटअप करने के लिए बनाया गया था। द पंचायती राज प्रोवाइड द बेसिस टू एस्टेब्लिश हेल्दी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस इन द कंट्री, यानी कि डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन जो थे डेमोक्रेसी की, लोग अपनी इच्छा से वोट कर सकते हैं, सिस्टम एस्टेब्लिश करने के लिए बनाया गया था कंट्री में। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ट्रांसफर्ड इन द हैंड्स ऑफ पीपल नीड थ्रू पंचायती राज सिस्टम, दिस सिस्टम क्रिएट्स द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक फॉर डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पब्लिक का भी इंटरेस्ट बढ़ा इसके इंट्रोडक्शन के बाद कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ऑपरेट करनी चाहिए। सेकंड है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड फंक्शंस कैन बी डिसेंट्रलाइज थ्रू पंचायती राज। पंचायती राज में क्या था, अलग अलग लेवल्स पे क्या है अथॉरिटी को क्या है नीचे, यानी कि डिसेंट्रलाइज किया गया था, सब में डिस्ट्रीब्यूट करा गया था। द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर गोज इन द हैंड्स ऑफ वर्कर्स ऑफ द पंचायत ऑफ द विलेज, यानी कि जो पावर है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वर्कर्स के पास जा रही थी, किसके, पंचायत के, जो विलेज की पंचायत होती थी उनके पास। इट रिड्यूसेस, यानी कि इससे क्या है बर्डन भी रिड्यूस हो जाता, सेंट्रल अथॉरिटी के ऊपर सारा बर्डन नहीं है, वो बर्डन भी उनका रिड्यूस होता था। थर्ड फ्यूचर लीडरशिप, द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर द फ्यूचर लीडरशिप इन द कंट्री, दिस इंस्टीट्यूट प्रोवाइड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड ट्रेनिंग टू मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मिनिस्टर्स, यानी कि ये क्या हेल्प करता था लोगों मिनिस्टर्स को फ्यूचर लीडर बनने के लिए, यानी कि जब वो बाद में फ्यूचर में एमपी बनेंगे एमएलए या मिनिस्टर बनेंगे उसके लिए उनको ट्रेनिंग यहीं से मिलने लग जाती थी, क्योंकि उनको लीड करना आ गया कि कैसे टीम मैनेज करनी है, कैसे लीडरशिप को प्रॉपरली मूव ऑन करना है। फोर्थ है पॉलिटिकल अवेयरनेस, पंचायत एजुकेट सिटीजन टू यूज देयर पॉलिटिकल राइट्स, इट हेल्प डेवलप सिविल मैरिट्स अमंग पीपल, एंड पंचायती राज कैन टर्म इज अ पॉलिटिकल लिबरेटरी, यानी कि पंचायती राज सिस्टम से क्या लोगों के अंडरस्टैंडिंग हुई कि पॉलिटिक्स क्या है, उनको पॉलिटिकल राइट समझ में आए, पॉलिटिकल अवेकनिंग हुई कि उनका राइट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
फिफ्थ है कॉपरेशन बिटवीन पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन. द पंचायती राज सिस्टम प्रोवाइड्स अ गुड लिंक, यानी कि पंचायती राज जो था वो एक अच्छा लिंक एस्टैब्लिश कर रहा था बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, यानी कि पीपल एंड गवर्नमेंट के बीच एक प्रॉपर कॉपरेशन का मीडियम था. सिक्स, कोऑर्डिनेशन विद एडमिनिस्ट्रेशन. द एम्प्लॉयज एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन द लोकल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि जो पंचायती राज के मेंबर्स थे वो एक तरीके से कोऑर्डिनेटर थे एडमिनिस्ट्रेशन के, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है और पीपल चल रहा है लोकल सोसाइटी, दोनों के बीच क्या है एक कनेक्शन, यानी कि कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा था कोऑर्डिनेटर का. नेक्स्ट है अचीवमेंट्स ऑफ पंचायती राज की अगर हम बात करें. सो पंचायती राज की फर्स्ट अचीवमेंट थी या डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. पंचायती राज इंस्टीट्यूट हैव फैसिलिटेटेड डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन विलेजेस रिगार्डिंग पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, यानी कि डेवलपमेंट करी है पंचायती राज की वजह से. क्या है लोगों में चीजें डेवलप हुई कि किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम वर्क करता है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स वर्क करती है, तो एक पीपल में नो हाउ हुआ, उनको समझ में आया ये चीजें वर्क कैसे करती है. सेकेंड है अवेकनिंग फॉर राइट्स. पीपल को ये समझ में आया, जो सोसाइटी के लोग हैं लोअर सोसाइटी के जिनको ये सब बातें नहीं पता, उनको ये समझ में आया कि किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम बनता है, कितने उनके राइट्स इंपॉर्टेंट मैटर रोल प्ले करते हैं, किस तरीके से डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में लोगों को समझ में आया पावर की. थर्ड है फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस. द पंचायती राज सिस्टम हैज नॉट ओनली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस बट इट हैज प्लेड एन इफेक्टिव रोल इन द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस, यानी कि पंचायती राज से सिर्फ लोगों का मेंटल स्टेट ही बेटर नहीं हुआ कि उनको समझ में आई ये सब चीजें, बल्कि उससे क्या हुआ विलेजेस का फिजिकल डेवलपमेंट भी हुआ, क्योंकि अंडर द पंचायती राज सिस्टम गवर्नमेंट ने बहुत सारा रोल प्ले किया जिससे क्या इन विलेजेस को डेवलप करा जा सके फिजिकली भी. फोर्थ एजुकेशन. द लिटरेसी रेट हैज बीन इंक्रीज ड्यू टू द एडिशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रन थ्रू पंचायती राज सिस्टम, यानी कि एजुकेशन लिटरेसी रेट भी बढ़ी क्योंकि अंदर पंचायती राज कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन करे गए पंचायती राज के अंदर. फिफ्थ है इमेंसिपेशन ऑफ सोशल इविल्स. एनवायरमेंट फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ सोशल इविल्स हैज बीन क्रिएटेड विद लॉन्चिंग ऑफ पंचायती राज सिस्टम. हेंस एफर्ट्स हैव बीन मेड फॉर सॉल्विंग द सोशल प्रॉब्लम लाइक अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, डाउरी, डेथ, फियर्स, वुमेन एट्रोसिटी, यानी कि इमेनिफिकेशन, यानी कि सोशल इविल्स जो थे, यानी कि जो सोशली ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे थे, सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, उन सबको सॉल्व किया गया. जैसे चाइल्ड मैरिज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, अनटचेबिलिटी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम थी, यानी कि वो टच वाला होता है ना कि लोअर कास्ट हायर कास्ट को टच नहीं कर सकती, वो सब चीजें, चाइल्ड मैरिज हो गया, डाउरी जिसको हम दहेज कहते हैं, डेथ फीस हो गई कि जो हम लोग करते हैं कि एक पर्सन की डेथ के बाद फीस पे बुलाया जाता है ना, मतलब खाना क्या जाता है वो सब चीजें, और वुमेन एट्रोसिटी, यानी कि वुमेन को क्या दबा के रखा जाता है, वुमेन्स को सिर्फ हाउस होल्ड के अंदर हाउस होल्ड काम के लिए इलेक्ट किया जाता है. तो ये सब चीजों को डेवलप करा गया हटाने के लिए. नेक्स्ट है फेलियर्स की अगर हम बात करें, प्रॉब्लम्स ऑफ फेलियर्स क्या क्या थे पंचायती राज के. तो फर्स्ट प्रॉब्लम थी लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रोग्राम्स ऑन रूरल डेवलपमेंट वर स्टीयर्ड थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बट दीज इंस्टीट्यूट हैव फेल्ड टू अपलिफ्ट द रूरल एरियाज, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं अंदर पंचायती राज, लेकिन फिर भी इतने सारे इंस्टीट्यूशन आने के बाद भी रूरल एरियाज प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पा रहे थे, अपलिफ्ट नहीं कर पा रहे थे. इट्स मेन रीजन वॉज देयर वर नो स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, यानी कि रीजन क्या थे कि प्रॉपर हमारे पास क्या है फाइनेंशियल स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन नहीं थे कि स्ट्रक्चर किस तरीके से वर्क करेगा, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल किस तरीके से एस्टेब्लिश होगा, तो ये सब चीजें लैक कर रही थी. इस वजह से क्या पंचायती राज सिस्टम कहीं ना कहीं फेल हो रहा था. सेकेंड है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल पावर. अनदर प्रॉब्लम ऑफ फेलियर ऑफ पंचायती राज हैज बीन दैट देयर वाज लैक ऑफ पॉलिटिकल विल पावर रिगार्डिंग डिविजन ऑफ राइट्स विद दीज इंस्टीट्यूशन, यानी कि लैक ऑफ विल पावर, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे उनकी लैक ऑफ विल पावर थी, क्योंकि उनकी पावर भी एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, क्योंकि उनको ये इंस्टीट्यूट को भी पावर देनी थी रन करने के लिए, तो उनकी इच्छा नहीं हो रही थी, विल पावर नहीं थी अपनी पावर को सेक्रीफाइस करने की. थर्ड है एडवांटेज टू अ स्पेसिफिक क्लास. द पंचायती राज सिस्टम इंटरेस्ट इन डूइंग ओनली दोज एक्टिविटीज फॉर होम गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडी,
यानी कि जो पंचायती राज सिस्टम था उनका सिर्फ इंटरेस्ट यही था कि उन्हीं लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाए जिसके लिए क्या है गवर्नमेंट कुछ स्पेशल सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। ओनली इन्फ्लुएंशियल एंड एलीट पीपल इन द विलेजेस हैव टेकन एडवांटेज ऑफ दिस सब्सिडी, यानी कि सिर्फ एलीट पीपल जो रिच पीपल से जो स्पेसिफाइड टारगेट पीपल से उन्हीं ने सिर्फ इन सब्सिडीज का बेनिफिट लिया, बाकी सबको इन चीजों का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। नेक्स्ट है सोशल बैकवर्डनेस। द सोशल बैकवर्डनेस ऑफ रूरल पीपल इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ दीज इंस्टीट्यूट। फीडुअल टेंडेंसीज इन रूरल एरियाज डू एग्जिस्ट इवन टूडे, यानी कि जो लोगों की सोशल बैकवर्डनेस थी उनकी सोच मेंटल जो थी आज भी बहुत पुराने हिसाब से चल रही थी, वो इंस्टीट्यूट में आना नहीं चाह रहे थे क्योंकि उनकी सोशल बैकवर्डनेस उनका कल्चर जो है उनको स्टॉप कर रहा था बीइंग। नेक्स्ट है पार्टी पॉलिटिक्स। द पार्टी पॉलिटिक्स हैज बीन द मेन हर्डल इन द पाथ ऑफ सक्सेस ऑफ पंचायती राज। पंचायत हैव बिकम एन एरिना ऑफ पॉलिटिक्स। डिस्प्यूट्स अराइज ड्यू टू पेटी थिंग्स इन द पंचायत। मोस्ट ऑफ द टाइम एंड एनर्जी इज वेस्टेड ड्यू टू द ग्रुपिज्म, यानी कि पार्टी पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो रही थी, लोग गॉसिप बहुत ज्यादा कर रहे थे, इस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी बार बार, समय समय पे डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहे थे, छोटी छोटी चीजों पे बार बार डिस्प्यूट्स हो रहे थे, जिस वजह से पंचायती राज सिस्टम जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा था। सिक्स्थ है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैव बीन फेसिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन बिगनिंग। आइदर दीज इंस्टीट्यूट्स आर नॉट प्रोवाइडेड विद इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज और दो रिसोर्सेज आर मीनिंगलेस, यानी कि पहले तो पंचायती राज को इकोनॉमिक रिसोर्सेज दी नहीं जा रही थी, उसके बाद जो रिसोर्सेज दी जा रही थी वो उनके लिए वेस्टलेस थी, एक तरीके से जो मीनिंगलेस रिसोर्सेज थी ना वही उनको दी जा रही थी। प्रॉब्लम्स ऑफ इलिटरेसी एंड पॉवर्टी। इलिटरेसी एंड पॉवर्टी आर द फॉर्मिडेबल प्रॉब्लम्स ऑफ विलेजेस, यानी कि इलिटरेसी और पॉवर्टी एक मेजर प्रॉब्लम है जो हर विलेजेस में देखी जाती है, इस वजह से पंचायती राज सिस्टम के डेवलप नहीं हो पा रहा था। एते सेंट्रल स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। During last two decades, several programs sponsored by various agencies of central government have been implemented for rural development. But the local administration, यानी कि बहुत सारे centrally sponsored programs आए development के लिए villages के, लेकिन जो बीच में administration power थी ना local administration, ये क्या करती थी उन सबको, यानी कि उन सबका जो पैसा है वो ले जाती थी, fraud करती थी, annex करती थी। Next is lack of administrative machinery. Several program of rural development assigned to gram panchayat could not be implemented due to lack of administrative machinery. यानी कि proper administration नहीं था ग्राम पंचायत में, तो इस वजह से बहुत सारे program जो है वो effectively work नहीं कर पा रहे थे। फिर miscellaneous problem में दिखाया गया lack of political awakening नहीं थी, neglect of development of works को develop करने के लिए neglect किया गया, cooperation कहीं ना कहीं lack कर रहा था, अटैचमेंट ऑफ एमएलए एमपीज, ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पा रहा था पंचायती राज। सजेशंस अगर हमको पंचायती राज को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना है तो फर्स्ट इसमें गिवन है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स एंड देयर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पावर मस्ट बी एनफोर्स स्ट्रिक्टली, यानी कि जो पंचायती राज के अंदर फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। The groupism prevalent in पंचायती राज institute should be ended, यानी कि जो groupism करा जा रहा है पंचायती राज सिस्टम में उसको कहीं ना कहीं आपको एंड करना ही पड़ेगा। थर्ड, the financial position of पंचायती राज should be improved, यानी कि जो financial condition है पंचायती राज की उसको improve करना पड़ेगा। Fourth, training must be imparted to elect representative of पंचायत, यानी कि जो elected members है उनकी proper training करानी चाहिए। Fifth, the power of dissolving पंचायती राज institute is in arbitrary manner by state government should be restricted through constitutional provisions, यानी कि अगर पंचायती राज को dissolve करना है तो उसके लिए proper constitutional provisions बनाने पड़ेंगे, उसके हिसाब से पंचायती राज को क्या है dissolve करा जाएगा। Next question है give a brief account of development and prospect of agriculture in Rajasthan, यानी कि किस तरीके से राजस्थान में agriculture को develop करा जा सकता है। तो main important points है development के लिए, first irrigation, यानी कि इरिगेशन पे गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी पड़ेंगी डेवलपमेंट के लिए, हर रीजन में इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी पड़ेंगी फेमाइन और ड्रॉट के सीजन्स में, जिससे क्या है लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो सके, अंडरग्राउंड वाटर का एक्सेसिव यूज नहीं हो, इसको किस तरीके से स्टॉप करें इसके लिए बनाना पड़ेगा, रेन वाटर को किस तरीके से प्रॉपरली स्टोर करना है इसके लिए डैम्स बनाने पड़ेंगे। मीडियम एंड स्मॉल स्केल डेवलपमेंट राजस्थान एट अ वेरी लार्ज स्केल, यानी कि मीडियम और स्मॉल जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इरिगेशन के उसको स्पीडली वर्क ऑन करना पड़ेगा। सोर्स ऑफ इरिगेशन की अगर हम बात करें तो इरिगेशन के जो सोर्सेज हैं मेन राजस्थान में वो एक तो कैनल्स के थ्रू पानी आता है, कैनाल्स आपने सुनो, टैंक्स के रूप में आता है, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स लगाए जाते हैं जमीन खोद के जिसे अंडर वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं, अदर बहुत सारे सोर्स होते हैं।
तो राजस्थान इकोनॉमी हैज प्री एमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि राजस्थान की जो इकोनॉमी है एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। अबाउट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इज डेवलप्ड ऑन एग्रीकल्चर फॉर इट्स लाइवलीहुड, यानी कि जो 2/3 पॉपुलेशन है राजस्थान की वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन द स्टेट इज मेनली डिपेंड ऑन रेन्स, यानी कि रेन पे ही डिपेंड है पूरा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, पूरा प्रोडक्शन जो है स्टेट का। अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द स्टेट इज यूटिलाइज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, यानी कि जितना भी टोटल स्टेट का एरिया उसका आधा स्टेट का एरिया जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर में ही लगा हुआ है। द बिहेवियर ऑफ मॉनसून इन राजस्थान इज यूजुअली इरेटिक एंड अनसर्टेन, यानी कि मॉनसून जो है वो इरेटिक है, बहुत ही अनसर्टेन है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कितनी बारिश होगी नहीं होगी। सेकेंड इज शेयर इन जीवी, थ्रू द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीवी ऑफ राजस्थान हैज डिक्लाइन ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स, येट एग्रीकल्चर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन स्टेट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर हम बात करें जीवीए का एग्रीकल्चर में शेयर जो है वो समय के साथ लास्ट 2 डिकेड में देखा गया है कि वो कम होता गया है, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स में भी ग्रोथ आता जा रहा है राजस्थान में, लेकिन आज भी 24% शेयर जो है स्टेट के जीवीए में वो एग्रीकल्चर का है। नेक्स्ट लैंड यूटिलाइजेशन, द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हाई यील्ड वैरायटी सीड्स इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड हैज इंक्रीज्ड द स्टेट ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन, इट हैज रिजल्टेड इन रैपिड इंक्रीज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन स्टेट, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर अस्ते इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड अच्छे सीड्स की वजह से क्या प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा बढ़ा था स्टेट में। द टोटल रिपोर्टिंग एरिया एंड नेट एरिया सोन इन राजस्थान ड्यूरिंग 13-14 वाज 342 लाख हेक्टर्स रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट है फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, टोटल फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन इन द स्टेट इन 1950 वाज ओनली 33.8 लाख, यानी कि 1950 में आप देखिए कितना कम था, वो जो इंक्रीज हो गया 207 लाख टन एंड 196 लाख टन रेस्पेक्टिवली इन 13-14 एंड 14-15, कितना ड्रामेटिक इंक्रीज है। फिफ्थ है ऑयल सीड प्रोडक्शन, देयर हैज बीन कमेंडेबल इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड इन द स्टेट ड्यूरिंग लास्ट डिकेड, प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड इंक्लूडिंग यानी कि ग्राउंडनट के जो ऑयल सीड्स आते हैं, सीसम के सीड्स हो गए, सोयाबीन के सीड्स हो गए, कैस्टर ऑयल के जो सीड्स हो गए, इन सब में रेस्पेक्टिवली इंक्रीज ऑन आया है। कॉटन प्रोडक्शन, कॉटन इज एन इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप ग्रोन इन स्टेट स्पेशली इन गंगानगर एंड हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि गंगानगर और हनुमाननगर डिस्ट्रिक्ट में क्या है बहुत ज्यादा कॉटन का प्रोडक्शन होता था। द कॉटन प्रोडक्शन इन द स्टेट हैज ऑल्सो इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, यानी कि जो कॉटन का प्रोडक्शन है वो भी सिग्निफिकेंटली बढ़ा था। 3.99 लाख कॉटन बेल्स हमारी प्रोड्यूस हो रही थी स्टेट में 1971 के अंदर, जो बढ़ के कितनी हो गई 6.99 लाख बेल्स इन 1986, यानी कि जस्ट डबल हो गई। और हम प्रेजेंटली बात करें हमारी 15-16 के अंदर तो 15.28 लाख हमारी हो गई थी बेल्स रिस्पेक्टिवली कॉटन प्रोडक्शन। अगर हम स्टेट की बात करें 2015-16 में तो 9.55 लाख टन हमारी बेल लाख बेल्स हमारा प्रोडक्शन था, तो कितनी स्पीडली हमारा बढ़ रहा है। शुगर केन प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, देयर हैज नॉट बीन एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन ड्यूरिंग लास्ट 20 इयर्स, अबाउट 12 लाख टन ऑफ शुगर केन वॉज प्रोड्यूस इन द स्टेट, यानी कि कितना ज्यादा शुगर केन प्रोड्यूस होता है यहाँ पर। एट द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, राजस्थान पल्सेस प्रोडक्शन में भी बहुत ज्यादा आ गया, यहाँ पर पल्सेस बहुत ज्यादा ग्रो करी जाती है। नेक्स्ट है यूज ऑफ एचआईवी सीड्स, यानी कि एचआईवी सीड्स के यूज की वजह से ये सब अवेलेबिलिटी हो पाई थी, प्रोडक्शन जो है वो एकदम से बहुत इंक्रीज करा गया था। इसके लिए एचआईवी सीड्स यानी कि हायर यील्ड वैल्यू के जो सीड्स थे वो यूज करे गए थे, जिससे प्रोडक्शन को और एफिशिएंट तरीके से कैरी ऑन करा जा सके। यहाँ पर जो नंबर है आपको याद करने पड़ेंगे थोड़े बहुत, जहां पर वो टन संस्कार है, फिर फर्टिलाइजर्स का यूज करा गया जिससे प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया गया, अदर इनपुट्स यूज करे गए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करी गई, लैंड होल्डिंग जो है उसको प्रॉपरली इंक्रीज करा गया और डिस्ट्रीब्यूट करा गया। प्रोस्पेक्ट्स की बात करें कि कौन कौन से प्रोस्पेक्ट हैं जो एग्रीकल्चर इन राजस्थान जिसपे डिपेंड है। Great strides have been made in the development of agriculture in Rajasthan during last 6 decades. यानी कि पिछले last 6 decades को अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा development करा गया है agriculture sector में राजस्थान के। Yet agriculture and allied activities have not been developed at full stretch. The prospect of agriculture development in the state are very bright. यानी कि अभी भी पूरी तरीके से develop नहीं हुआ है, अभी भी बहुत सारा scope है जहाँ पर हम क्या है develop कर सकते हैं properly.
फॉलोइंग स्टेप्स, यानी कि ये सारे स्टेप्स हमको लेने चाहिए जिससे हम क्या एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी स्टेट में बढ़ा सकें। फर्स्ट एम्फोसिस इज ऑन स्मॉल इरिगेशन प्रोसेस प्रोजेक्ट्स एंड वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि एम्फोसिस लेना चाहिए गवर्नमेंट को कि स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट चालू करे और वाटर हार्वेस्टिंग को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, लोगों को अंडरस्टैंड कराए कि वाटर हार्वेस्टिंग कितना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट इज चेंज इन पैटर्न ऑफ इरिगेशन सिस्टम। फ्लड फ्लड इरिगेशन सिस्टम इज यूज इन मोस्ट ऑफ द एरियाज अंडर मेजर एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट। अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज वेस्टेड थ्रू फ्लड इरिगेशन, हेंस इट इज सजेस्टेड दैट व्हेनेवर पॉसिबल ड्रिप इरिगेशन सिस्टम शुड बी प्रैक्टिस। यानी कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हमको यूज करना चाहिए, ना कि हमारा जो ओरिजिनली है फ्लड वाला जो सिस्टम है, फ्लड इरिगेशन सिस्टम, उसको हमको स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है जो वाटर है वो बहुत ज्यादा तो वेस्ट ही हो पा रहा है, जितना यूज नहीं कर रहे उससे ज्यादा तो वेस्ट हो रहा है। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ एलीट एक्टिविटीज ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि जो एलीट एक्टिविटीज, एलीट एक्टिविटीज मतलब हो गई ऐसी एक्टिविटीज जो सपोर्टिंग है एग्रीकल्चर को, सपोर्ट कर रही है एग्रीकल्चर के साथ साथ जो एक्टिविटीज चल रही है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गई, डेयरी एक्टिविटीज हो गई, पोल्ट्री फार्मिंग होगी, इन सबको भी डेवलप किया जाए। फोर्थ है सप्लाई ऑफ इंप्रूव्ड एंड HYV सीड्स, यानी कि इंप्रूव करना पड़ेगा हमको HYV सीड्स, यानी कि जो फर्टिलाइजर्स हैं हमारे, जो सीड्स हम लोग यूज कर रहे हैं, उन सब की क्वालिटी हमको इंप्रूव करनी पड़ेगी जिससे प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज होगी। लास्ट है इनफॉर्मल एजुकेशन टू फार्मर्स, यानी कि फार्मर्स को एजुकेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी कि किस तरीके से वो और एक ग्रोथ, यानी कि नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं अपनी डेवलपमेंट में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द मेन स्कीम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑपरेटेड इन राजस्थान, यानी कि मेन स्कीम्स की बात करें जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑपरेट कर रही हैं। सो मेजर स्कीम्स में फर्स्ट आती है एग्रीकल्चर सेक्टर्स इन राजस्थान में। फर्स्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ने 2014-15 में लॉन्च हुआ था नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑन वीट एंड पल्सेस, यानी कि वीट एंड पल्सेस के लिए लॉन्च किया गया था 2007-08 में, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर करा था। ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 GOI हैज चेंज्ड द फंडिंग, यानी कि GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी फंडिंग चेंज करी थी, 60% टू 40% कर दी थी। द मेजर इंटरवेंशन ऑफ NFSM वीट एंड पल्सेस ड्यूरिंग 15-16 रिलेट्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टिफाइड सीड्स डेमोन्स्ट्रेशन एंड इम्प्रूव प्रोडक्शन, यानी कि किस तरीके से अच्छी क्वालिटी के सीड्स प्रोवाइड करे जाएंगे गवर्नमेंट द्वारा और किस तरीके से प्रोडक्शन को इम्प्रूव करा जाएगा टेक्नोलॉजी का यूज करके। नेक्स्ट NFSM वीट इज इम्प्लीमेंटेड इन 14 डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट इन, यानी कि 14 डिस्ट्रिक्ट में यूज करे गए थे, जैसे बांसवाड़ा हो गया, बीकानेर हो गया, जयपुर, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, नागपुर, पाली, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, उदयपुर, इन सब स्टेट्स में गया, अच्छे सीड्स और प्रोडक्शन करा गया था। डी है NFSM पल्सेस वॉज इनिशियली स्टार्टेड इन 16 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो अच्छी पल्सेस जो है उसके इनिशियली स्टार्ट करा गया था 16 डिस्ट्रिक्ट में, जैसे बाड़मेर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, चूरू, दौसा, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, झुंझुनू, जोधपुर। नेक्स्ट NFSM कोर्सेज सीरील इज इम्प्लीमेंटेड इन 12 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो सीरील कोर्स था वो इम्प्लीमेंट हुआ था बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, जयपुर, जलौन, झुंझुनू, मतलब मेजर स्टेट्स यही है, बस इक्के दुक्के ज्यादा या कम हो रहा है आप ध्यान से देखे तो। उसके बाद जो सेकंड स्कीम आई थी वो नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम के ऊपर आई थी। द ISO POM प्रोग्राम इज कवरेज इन टू अ न्यू प्रोग्राम नेशनल मिशन एंड इसमें करा गया था MM1 ऑन ऑयल सीड्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सब मिशन इज टू अचीव प्रोडक्शन 33.51 मिलियन टन्स एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ 1328 kg पर हेक्टर ऑफ ऑयल सीड फ्रॉम द करंट एवरेज प्रोडक्शन, यानी कि किस तरीके से ऑयल सीड का जो है प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। MM3 ऑन ट्री बॉर्न ऑयल सीड्स, दिस मिशन इज बीन इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट टू एनहेंस सीड कलेक्शन ऑफ TBO फ्रॉम 9 lakh टन्स, यानी कि किस तरीके से TBO का कलेक्शन बढ़ाया जाए 9 lakh टन से 14 lakh टन्स तक पहुंचाया जा सके। थर्ड स्कीम आई थी नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। द एम ऑफ द मिशन इज टू रीस्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन टू एनेबल डिलीवरी ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस टू द फार्मर्स, यानी कि इसका मिशन का एम क्या था कि किस तरीके से बेटर टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करी जा सके, फार्मर्स तक पहुंचाया जा सके, जिससे वो और अच्छी तरीके से फार्मिंग प्रैक्टिस को टेक ऑन कर सके। ड्यूरिंग 2015-16 गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड द फंडिंग पैटर्न GOI फॉर टू 60-40%। इसमें 4 मिशन इंक्लूड करे गए थे। फर्स्ट है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन,
सेकेंड है सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल्स, थर्ड है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, फोर्थ है सब मिशन ऑन प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारंटाइन। नेक्स्ट मिशन था नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। NMSA इज वन ऑफ द रिस्ट्रक्चर स्कीम सब्सिमिंग नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी एंड रेनफिट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम टू फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन ड्यूरिंग द ईयर 14-15। यानी कि जो हमारा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, तो यहाँ पर फोकस करा गया था कि किस तरीके से माइक्रो इरिगेशन को कैसे एक्सपेंड करा जा सके, सॉइल की हेल्थ को कैसे बेटर करा जा सके, फर्टिलिटी कैसे बढ़ाई जा सके राजस्थान में, रेन फेडेड एरिया यानी कि जहां पर रेन गिर रही है उस एरिया को कैसे बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सके, इन सब चीजों में यानी कि क्लाइमेटिकल जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन सबको किस तरीके से प्रॉपर तरीके से अडॉप्ट कर सके। नेक्स्ट स्कीम थी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना टू अचीव द 4% ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर एंड एलीट सेक्टर ड्यूरिंग 11th 5-year प्लान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड अ स्कीम RKVY इन 2007-08। कब लॉन्च हुई थी? 2007-08 में इन ऑल स्टेट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि सारे स्टेट्स में इंक्लूडिंग राजस्थान, यानी कि सारे स्टेट्स हमारे कंट्री में सब में स्टार्ट करेगी थी कब? 2007-08 के बीच में। इन दिस स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड 100% सेंट्रल असिस्टेंट ड्यूरिंग 2014, यानी कि 5 साल के लिए गवर्नमेंट है, सॉरी 2007-08 से लेकर 2014-15 के अंदर प्रोजेक्ट बेस्ड असिस्टेंट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू प्रिपेयर इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लान इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री। यानी कि जिसे प्रोजेक्ट बेस्ड असिस्टेंट मिल सके, किस लिए? एग्रीकल्चर की फील्ड में, एनिमल हस्बेंड्री के लिए, फिशरीज के लिए, पोल्ट्री फार्मिंग के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए एंड डेयरी कंसिडरेशन के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट प्रोग्राम था प्रोग्राम नंबर 6 परागत कृषि विकास योजना। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज अ प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्री फ्रॉम केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड रिड्यूस्ड बाय अडॉप्टिंग इको फ्रेंडली लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज। यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पे फोकस किया गया, जहां पर हम क्या करेंगे, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करेंगे, ऑर्गेनिकली हमारी नेचुरल टेक्निक्स जो है उनको यूज करके क्या हम क्या करेंगे, क्रॉप्स का ग्रो करेंगे। नेक्स्ट डेवलप हुआ था हॉर्टिकल्चर। राजस्थान हैज लार्ज स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर, इट प्रोवाइड एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द रूरल पीपल वाइल डाइवर्सिफाइंग द रूरल इकोनॉमी टू एग्रो प्रोसेस एंड अदर एंसिलरी एक्टिविटीज। लुकिंग टू द एम्पल अपॉर्चुनिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, अ सेपरेट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1989-1990 विद एन ऑब्जेक्टिव टू ग्रो एंड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फ्लावर्स, मेडिसिन प्लांट्स, क्रॉप्स एंड प्लांट वेस्ट। यानी कि राजस्थान में हॉर्टिकल्चर की इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी, इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा क्रिएट हुई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब का प्रोडक्शन, मेडिकल प्लांट्स हो गए हमारे, प्लांट क्रॉप्स हो गए, इन सब का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी किस तरीके से इंक्रीज करी जा सके। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। वॉटर इज लिमिटेड एंड वैल्यूएबल रिसोर्स इन द स्टेट, इन द व्यू ऑफ दिस ड्रिप एंड स्प्रिंकल टेक्निक्स ऑफ माइक्रो इरिगेशन आर इफेक्टिवली वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस टू एनहेंस क्रॉप यील्ड्स एंड क्वालिटी अलोंग विद वाटर सेविंग। यानी कि वाटर जो है वो बहुत एक लिमिटेड रिसोर्स है, इसलिए गवर्नमेंट एक नए तरीके, नई टेक्निक के साथ है, जहां पर क्या ड्रिप एंड स्प्रिंकल टेक्निक का यूज कर रहे थे। इससे क्या वाटर की भी सेविंग हो रही थी, वाटर बहुत कम यूज हो रहा था और क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज जो है यानी कि जो प्लांट्स में वाटर डालना है वो भी एडिक्वेट क्वांटिटी में डल पा रहा था और इससे क्वालिटी भी एनहेंस हो रही थी क्रॉप यील्डिंग की। To increase the adaptability of the system, Government of India has launched micro irrigation system. यानी कि इस चीज की adaptability बनाने के लिए Government ने introduce किया था micro irrigation scheme under PM KSY, यानी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। 9th National Bamboo Mission, just a second, yeah. अंडर दिस स्कीम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, बरान, झालवाड़ा, भीलवाड़ा, राजस्थान
एंड प्रतापगढ़ वर टेकन फॉर प्रमोटिंग बैम्बू कल्टीवेशन, यानी कि इन स्टेट्स में बैम्बू कल्टीवेशन, इन डिस्ट्रिक्ट में बैम्बू कल्टीवेशन को इंक्रीज करा गया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रीनेम्ड फॉर स्कीम एज नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री एंड बैम्बू मिशन के अंडर लॉन्च करा गया था। इसके बाद ऐसे बहुत सारे हैं, एक दो और हैं, तो ये सब सेम है। इसमें से ये इतने सारे आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 7 से 8 हमको याद करने, इतने सारे याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में हमको इतने सारे नहीं लिखने, हमको सिर्फ 7 पेज में हमारा आंसर समराइज करना है। इसलिए हमको कोशिश करनी है कि हम 6 से 7 ही लिखें, लेकिन उनको ब्रॉडली डिस्क्राइब करें। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, What efforts have been made regarding agriculture insurance in India? यानी कि क्या need और importance है agriculture के insurance की? So, the situation of uncertainty always looms heavy in agriculture due to irregularity in irrigation, uncertainty of monsoon in India. यानी कि अगर हम situation की बात करें uncertainty के agriculture में, तो India में agriculture तो uncertain है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि हमारी irregularity, यानी कि हम monsoons पे depend है, तो हमको पता ही नहीं कि मॉनसून कब आएगा, कितनी क्वांटिटी में वाटर हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, अनसर्टेनिटी है इस चीज की पूरी। सो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी है एग्रीकल्चर में, जो उनको हम इन फॉलोइंग पॉइंट से समझ सकते हैं। फर्स्ट, शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, यानी कि अगर हम देखें तो वाटर, यानी कि इरिगेशन करने के लिए वाटर जो है वो बहुत लिमिटेड है, और रेन जो है वो उस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि मॉनसून जो है आप गारंटी नहीं दे सकते कब आएंगे और कितने टाइम के लिए आएंगे, कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर आपको दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, यानी कि मॉनसून जो होंगे वो गुड होंगे बैड होंगे कंसिडर करना बहुत डिफिकल्ट है। सेकेंड है आउटपुट इन ड्रॉट एरियाज, खैरिफ क्रॉप प्रोडक्शन हैज ऑलवेज बीन अफेक्टेड एडवर्सली वेयर देयर इज अ डेफिशिएंसी इन रेनफॉल, यानी कि खैरिफ क्रॉप जो है वो बहुत ज्यादा क्या प्रोडक्शन उसका एडवर्सली इफेक्ट होता है अगर प्रॉपर रेनफॉल नहीं होती। Although fall in quantum has varied from year to year due to variation and severity of drought, erratic monsoon rainfall in 2004 caused a substantial fall in kharif food grains production. यानी कि ज़्यादा मॉनसून हो जाए तो उस वजह से भी खारिफ क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। Third, declining growth rate. Growth in agriculture and elite sectors remain an important objective and a necessary condition for inclusive growth. The average annual growth in agriculture elite sectors realized during the 11th plan was 3.3 against a targeted growth rate of 4%. यानी कि जो हमारी target growth rate थी उसमें भी decline है, यानी कि जो हम analyze कर रहे थे जो year on growth जा रही थी उससे भी हमारी नीचे down जा रही थी। Problem of drinking water, क्योंकि shortage of water है तो drinking waters की भी supply बहुत ज़्यादा shortage है, यानी कि लोगों के पास available नहीं है पीने के लिए पानी भी। नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ फॉर्डर, यानी कि आज भी कई स्टेट्स ऐसे कई जगह ऐसे जहां पर जो फॉर्डर अवेलेबल ही नहीं है, और जो फॉर्डर अवेलेबल है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। सिक्स, हंगर, यानी कि ड्रॉट और फेमाइन की वजह से मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री जो है वहां पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, वहां की नेचुरल रिसोर्सेज खराब हो जाती है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाता है, तो यानी कि लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं होता, तो माल न्यूट्रिशन एक बड़ी प्रॉब्लम है उन जगहों के लिए। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट में एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है। अबाउट 50% ऑफ इंडियाज वर्किंग पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि 50% भारत की जनता जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है एम्प्लॉयमेंट के लिए। द लाइफ स्टॉक सेक्टर प्रोवाइड रेगुलर एम्प्लॉयमेंट टू 11 मिलियन, कितने 11 मिलियन। इंडिया हैज अ लार्ज लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन अकाउंटिंग फॉर अबाउट 57% ऑफ द वर्ल्ड बफेलो पॉपुलेशन एंड 16% ऑफ कैटल प्रोडक्शन, यानी कि वर्ल्ड का 57 बफेलो पॉपुलेशन जो है वो इंडिया के पास है। नेक्स्ट है रिस्क रिलेटेड टू एक्सीडेंट्स, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 2 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर फ्रॉम वर्क रिलेटेड टू एक्सीडेंट्स एंड इलनेस विच कॉज टू ग्लोबल इकोनॉमी रुपीज 1.25 ट्रिलियन ईयर और 4% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, यानी कि रिस्क रिलेटेड एक्सीडेंट से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा रिस्क है, जो अकाउंट फॉर हमने देखा कि 4% यानी कि वर्ल्ड की जितनी भी जीडीपी है उसमें से 4% जो है इस वजह से रिस्क पे है, क्योंकि जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। रिस्क फ्रॉम सोइंग हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, यानी कि बहुत सारे रिस्क हैं सोइंग की वजह से भी। फर्स्ट, लैक ऑफ नेसेसरी वेटनेस एंड एप्रोप्रिएट टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ सोइंग, यानी कि जब हम सीड सो करते हैं तो वैसा टेम्परेचर नहीं होता जैसा होना चाहिए। लैक ऑफ एडिक्वेट वाटर, यानी कि वाटर सप्लाई यानी कि इरिगेशन के लिए वाटर नहीं है। रिस्क ऑफ डेफिशिएंट सेंटेसी, एक्सेस रेनफॉल हो रही है कई बार।
रिस्क रिलेटेड विद विंड स्टॉर्म यानी कि विंड और स्टॉर्म की वजह से भी प्रॉब्लम आती है। रिस्क रिलेटेड विद डैमेज ऑफ क्रॉप्स यानी कि कई बार क्या होता है बारिश या हवा इतनी तेज आती है कि हमारी क्रॉप पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। 11th है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज यानी कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज की प्राइस में जो एकदम से वेरिएशन आता है क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की वजह से कई बार एक्सेस डिमांड आ जाती है मार्केट में तो प्राइस एकदम से क्या है डाउन आ जाती है और कई बार क्या सप्लाई मार्केट में एक साथ बहुत ज्यादा आ जाती है तो इस वजह से क्या है प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाती है। सप्लाई कम हो गई तो प्राइस बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ जाती है तो इस वजह से क्या है मार्केट में एक बहुत बड़ा रिस्क होता है फार्मर्स के लिए कि प्राइस या तो एकदम से बहुत ज्यादा शूट कर जाती है प्राइस एकदम से बहुत ज्यादा फॉल ऑन कर जाती है। तो इंश्योरेंस किस तरीके से कंट्रोल करेगा रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन एग्रीकल्चर की फर्स्ट नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम आया था। द नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम राबी 1999 टू 2000 सीजन रिप्लेसिंग द कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम व्हिच वाज इन ऑपरेशन सिंस 1985। इट एनविजेट कवरेज ऑफ ऑल फूड क्रॉप्स यानी कि इसमें सारी फूड क्रॉप्स कवर करी गई थी हमारी ऑयल सीड कवर करे गए थे एनिमल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी कवर करी गई थी विच पास फील्ड डेटा इज अवेलेबल फॉर एडिक्वेट नंबर ऑफ इयर्स यानी कि इन सब क्रॉप्स को कवर ऑन किया गया था। सेकंड है पायलट स्कीम लॉन्च करी गई थी ऑन सीड क्रॉप इंश्योरेंस। अ पायलट स्कीम ऑन सीड क्रॉप इंश्योरेंस वाज इंट्रोड्यूस अबाउट फॉर राबी यानी कि राबी जब राबी के साथ इंट्रोड्यूस कराया गया था इन ईयर 1999 टू 2000 सीजन टू प्रोटेक्ट सीड ब्रीडर्स इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ सीड क्रॉप्स यानी कि सीड ब्रीडर्स जो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। थर्ड लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस लाया गया था जिससे लाइफ स्टाइल यानी कि लाइफ स्टॉक जो है वो कैटल जो है उनका इंश्योरेंस करवाया जा सके। फोर्थ वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस यानी कि जो वेदर बेस्ड क्रॉप है हमारी राबी और खारिफ क्रॉप जो है वो वेदर बेस्ड डिपेंडेंट है वेदर पे तो इसके लिए स्कीम्स लाई गई थी एडवर्स टेम्परेचर की वजह से। मॉडिफाइड NAIA स्कीम आई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई गई थी। इंडिया इज द लैंड ऑफ फार्मर्स वेयर द मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर यानी कि इंडिया की बात करें तो इंडिया लैंड ही फार्मर्स का है यहाँ की जो मैक्सिमम रूरल पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने अनवील करी गई थी स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इन द ईयर 2016। दिस स्कीम विल हेल्प इन डिक्रीजिंग द बर्डन ऑफ premiums of farmers who take loans for their cultivation and will also safeguard them against the incremental weather यानी कि जो loans farmers ने लिए थे अपने agriculture के लिए अपनी agriculture activities के लिए farming के लिए उन सब में relief provide करने के लिए scheme launch करी गई थी हमारे Prime Minister द्वारा नरेंद्र मोदी जी। So main points की अगर हम बात करें जो scheme में cover थे हमारे first there will be a uniform premium of only यानी कि जो uniform premium annually pay होगा वो सिर्फ 2% होगा। The premium rate should be paid by farmers are very low यानी कि जो farmers premium देंगे वो बहुत ही कम होना चाहिए। There is no upper limit on government subsidy यानी कि government की जो subsidy है उसमें कोई limit नहीं होगी कितनी भी हो सकती है। Earlier there was a provision of capping the premium rate which is low claims being paid to farmers यानी कि पहले जो problem थी कि low claims दिए जाते थे farmers को इस problem को भी solve करा गया। Fifth, the use of technology will be encouraged to a great extent यानी कि technological advancement लाया जाएगा जिससे फार्मिंग को और अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करा जा सके। या सो फॉलोइंग एरियाज जो कवर थे हमारे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर फर्स्ट है एक कवरेज ऑफ द फार्मर्स ऑल फार्मर्स इंक्लूडिंग टेनेंट फार्मर्स ग्रोइंग द नोटिफाइड क्रॉप्स इन द नोटिफाइड एरिया आर एलिजिबल फॉर कवरेज यानी कि जो नोटिफाइड एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं फार्मिंग कर रहे हैं और नोटिफाइड क्रॉप्स बना रहे हैं वो सब फार्मर्स कवर्ड थे। किस चीज के लिए फर्स्ट कंपल्सरी कॉम्पोनेंट ऑल फार्मर्स अवेलिंग सीजनल एग्रीकल्चर ऑपरेशनल लोन्स यानी कि ऑपरेशनल लोन्स ले सकते थे फार्मर्स। सेकेंड है वॉलंटरी कॉम्पोनेंट द स्कीम वुड बी ऑप्शनल फॉर नॉन लोनी फार्मर्स के लिए भी थी। स्पेशल एफर्ट शैल बी मेड टू इंश्योर मैक्सिमम कवरेज ऑफ SC/ST यानी कि SC/ST और वुमेन्स फार्मर्स जो थे स्पेशल एफर्ट्स लिए गए कि वो सब भी कवर हो जाए। सेकेंड है कवरेज ऑफ द क्रॉप्स यानी कि कौन कौन सी क्रॉप्स कवर थी फर्स्ट फूड क्रॉप्स थी ऑयल सीड्स थी और एनिमल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स थी। कवरेज ऑफ रिस्क की अगर हम बात करें तो स्टैंडिंग क्रॉप्स के कुछ रिस्क थे लोकलाइज कैलेमिटीज जो थी प्रिवेंटिव सोइंग जो थी ये सब चीजों को कवर करा गया था। एक्सक्लूशन यानी कि कौन कौन से राइट्स में नहीं आ रहे थे फर्स्ट है राइट्स अगर कहीं दंगे हो रहे तो या कोई न्यूक्लियर रिस्क है या वॉर हो रहा है कहीं पर कोई या ग्रेज और डिस्ट्रॉयड बाय डोमेस्टिक प्रॉब्लम की वजह से
या थेफ्ट हो रहा है, कहीं चोरी की जा रही है, इन सब रिस्क को इंक्लूड नहीं करा गया था। लास्ट है सम इंश्योर्ड लिमिट्स ऑफ कवरेज। इन केस ऑफ लोनी फार्मर्स अंडर कंपलसरी कंपोनेंट द सम इंश्योर्ड वुड बी इक्वल टू द स्केल ऑफ फाइनेंस फॉर व्हाट क्रॉप्स आर फिक्स्ड बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी विच में एक्सटेंड टू द वैल्यू ऑफ द थ्रेशोल्ड यील्ड। सो आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। वैसे ये वाला पोर्शन जो है ये ज्यादा यहाँ पर न्यूमेरिक गेम है, यानी कि कहाँ पर कितना अमाउंट की क्रॉप्स यूज करेंगे, कितनी परसेंट, कितना अमाउंट, तो ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। ज्यादा से ज्यादा इसमें याद करने का पोर्शन है, लेकिन अगर आप इस चीज को सिर्फ पढ़ना आता है ना, तो आप समवट परसेंटेज याद कर सकते हैं कि अप्रॉक्स परसेंटेज की यहाँ पर 42% आ रहा है, यहाँ पर 38% आ रहा है, यहाँ पर 40% आ रहा है, तो उस चीज में आप बेनिफिट कर सकते हैं। वहां पर आप आंसर इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर याद करना बहुत डिफिकल्ट रहेगा आप लोगों के लिए। सो आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग अ पार्ट।